दूध में सिर्फ ये चीज़ उबाल कर रोज़ाना पी लीजिए रात को सोने से पहले। आपका पुराने से पुराना गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मांसपेशियों की सूजन, अर्थराइटिस, शारीरिक कमजोरी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सा नुस्खा लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसान है जिसको बनाना और उसके फायदे अनेक हैं। आज मैं बात कर रही हूँ छुआरों के बारे में। खजूर को सुखा कर छुआरा बनाया जाता है और ये छुआरा आपके शरीर के लिए बिल्कुल औषधि का काम करता है। आपके शरीर की सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। इसके अलावा छुआरे में कैल्शियम, फाइबर, विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर आपके शरीर में भी कैल्शियम की कमी है या फिर आपकी हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, बेड पर जब आप सोते हैं तो आप ठीक से करवट नहीं बदल पाते, उसके बाद भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपकी बॉडी में ह्यूज डिफरेंस फील होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी ये सारी तकलीफें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। छुआरा ना सिर्फ आपकी ये बीमारियों ख़त्म करता है बल्कि और भी कई बीमारियों से आपको बचा कर रखता है। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है जो आपकी स्किन पर ग्लो लेकर आता है और एंटी एजिंग का काम करता है, मतलब समय से पहले आपकी स्किन पर बुढ़ापा नहीं आता अगर आप मेरे बताए हुए उस तरीके से छुआरे का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, जो लोग अपने दुबलेपन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने वज़न को बढ़ाना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा, अगर आप इस तरीके से छुआरे का इस्तेमाल करेंगे तो आपका वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी शारीरिक कमजोरी दूर हो जाएगी, आप पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है। हड्डियाँ आपकी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है जो आपके शरीर की सारी दर्दों को, तकलीफ़ों को दूर करता है। छुआरे में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है इसलिए ये आपकी कब्ज़ को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है जिससे जो भी आप खाएंगे वो आपके शरीर में सड़ने की जगह पचना शुरू हो जाएगा और उससे आपको ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपके शरीर में विटामिन्स की कमी है, तो ऐसे में आपको छुआरे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये आपके बालों का झड़ना भी रोकेगा, उनको शाइनी भी बनाएगा और आपके शरीर में होने वाले सारे विटामिन्स की कमी को दूर कर देगा। आप जानते हैं दोस्तों इस छुआरे का इस्तेमाल हमें करना कैसे है। इसके लिए आप दो छुआरे ले लीजिए जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं। इसको आपने चक्कू की मदद से इस तरीके से कट कर लेना है और इसकी गुठली अलग कर लेनी है। गुठली अलग करने के लिए आप इसको मामदस्ते में कूट भी सकते हैं, जब आप कूटेंगे तो इसकी गुठली अपने आप अलग हो जाएगी। उसके बाद आपको लेना है 1 से 1.5 ग्लास दूध। और अब दूध को आपने किसी बर्तन में डालकर गर्म करने के लिए गैस पर रख देना है, लो फ्लेम पर। जैसे ही दूध गर्म हो जाए आप इन दोनों छुआरे को जो आपने कट कर रखे हैं उस दूध में ऐड कर दीजिए। छुआरा अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मीठा होता है तो आपको ऊपर से चीनी या मिश्री डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब इसको 2 से 3 मिनट तक छुआरा डालने के बाद गैस पर ऐसे ही उबलने दें। जब आप उबलेगा दूध तो छुआरे का सारा असर इसमें आ जाएगा। और अब जान लेते हैं इसको पीने का सही तरीका। तो यहाँ पर दूध उबल चुका है, उसके बाद इसको आप एक ग्लास में निकाल लीजिए और छुआरा भी उसी ग्लास में आप डाल लीजिए। अब रोज़ाना रात को सोने से पहले यानी खाना खाने के 1 घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले आपने इस दूध का सेवन करना है। आपके पूरा दिन जितने भी शरीर में थकान हुई है, मांसपेशियों में सूजन है, अकड़न है आपके कमर में, गर्दन में, सर्वाइकल की, या फिर किसी भी जोड़ों में आपका किसी भी प्रकार का दर्द है, या फिर आपको नींद नहीं आती, आपको अनिद्रा की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो ये आपके स्ट्रेस हार्मोन को भी कम करती है और गुड हार्मोन्स को यानी हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करती है और आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे। आपको जो नींद ना आने की समस्या है दोस्तों, इसको पीने के बाद वो भी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो बस इसको पीजिए और आधा घंटे बाद आप सो जाइए। ऐसा लगातार कम से कम आप 15 दिन तक करें, आपको आपके शरीर में बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। 1 महीना लगातार इसको पीने के बाद 15 दिन का गैप दें और उसके बाद दोबारा से इसको 1 महीने के लिए कंटिन्यू करें। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, मेरा अकाउंट है @ishamehra, और फेसबुक पर मेरा पेज है health time। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।